हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक मिल्कित प्लम्बर में। तो आज का वीडियो एक और लेके आ गया हूँ, एक और टॉपिक जो अभी सोलर पैनल की फिटिंग की गई थी। तो पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो वही वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ घंटी को दबा दो, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो दोस्तों, जिस मेरे भाई ने कोई वीडियो नहीं देखा है, तो वो मेरे सोलर पैनल की ये फिटिंग एक और नया कर रहे थे। जो 45 पैनल लगे हुए हैं उनकी पाइप फिटिंग कर रहे हैं, जो कि वॉशिंग के लिए उसको बना रहे हैं। तो वॉशिंग के लिए ये पाइप फिटिंग की जा रही है, तो सारी पूरा वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट तक स्किप मत करना। तो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, पूरा स्टोरी है, तो आप लोग देखो। जो प्लम्बर भाई हैं नए, जिनको नहीं करनी आती या जिन्होंने नहीं की, तो इसको देख के कर सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह से पाइपलाइन बिछाई कर दी गई है, हर पैनल के ऊपर पाइपलाइन चली गई है, ऊपर नीचे अलग अलग दो लाइंस चलेंगी, ऊपर भी और एक नीचे भी। जितने पैनल्स होते हैं उनके ऊपर, पूरे पैनल के ऊपर बिछाई की जाती है इस तरह से। एक इंच की पाइपलाइन डाली हुई है और नीचे प्रेशर पंप के साथ है। अगर प्रेशर पंप है तो प्रेशर पंप पे कर दो, नहीं तो 1 HP की मोटर लगा दो तो बहुत बढ़िया चल जाएगा ये पैनल। तो अलग अलग सप्लाई देनी है, अलग अलग वाल्व देने हैं, सारा अलग अलग सिस्टम इसका बनेगा। तो जितने पैनल्स हैं उतनी अलग अलग सप्लाई जाएंगी हर लाइन को। तो ये देखो, इस तरह से पाइप फिटिंग की गई है और एस्ट्रल कंपनी की पाइप है, तो धूप के अंदर पाइप रहेगी, पाइप अच्छी कंपनी की ही लगाना। तो ये इस तरह से इसके सुराख निकाले गए हैं। तो ये देखो, एक एक ये सुराख निकाल के इसको फिल्टर बनाया गया, फिल्टर बना के फिर इसके अंदर पानी छोड़ेंगे, तो ये हर पैनल के ऊपर पानी डलेगा। तो दोस्तों, थोड़ा काम कठिन है, तो बहुत समझदारी से करना पड़ता है, क्योंकि कांच की प्लेट है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसकी, तो इसकी लेबर भी काफ़ी है। तो क्योंकि काफ़ी मेहनत करके इसको फिटिंग करना पड़ता है, तो मालक का खर्चा भी बहुत होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करवाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जब ये अच्छी तरह से इसकी फिटिंग हो जाए, अगर वॉशिंग हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो एक कस्टमर के पीछे कर सका हूँ, तो उनके 10 से 15 यूनिट बढ़नी स्टार्ट हो गई है अभी, जिनकी ये वॉशिंग लाइन लगाई हुई है उनसे 10 से 15 यूनिट प्रतिदिन बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि ये डेली चलाते हैं, एक से दूसरे दिन चला के वॉश कर दो, एक एक मिनट ही सिर्फ छोड़ना है, तो सारी प्लेटों के ऊपर डस्ट जो है सारी साफ़ हो जाएगी। तो ये देखो, इधर भी फिटिंग चल रही है अभी पैनल्स की, नीचे से ऊपर से सारी अच्छी तरह से उसकी सेटिंग करके इसका सारा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो काफ़ी चोटें भी लगती है नीचे, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है। तो दोस्तों, अभी ये देखो, हम लोगों ने पानी छोड़ दिया है, पानी हमेशा शाम के वक्त ही छोड़ना है या सुबह सुबह मॉर्निंग में छोड़ना है, धूप के अंदर पानी नहीं छोड़ना। तो ये देखो, ये पूरी हमारी वॉशिंग लाइन बन चुकी है, तो देखो कितनी झरने की तरह से पानी आ रहा है ऊपर नीचे, एक एक करके भी चला सकते हैं, इकट्ठे दोनों भी चला सकते हैं। तो दोस्तों देखो, कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया पैनल लग रहा है। तो ये देखो, कितना अच्छी तरह से इसको डस्ट साफ़ हो रही है, इसकी वॉशिंग एरिया बन चुका है। एक बार आप सिर्फ वाइपर मार दो, बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। तो इधर एक दूसरी लाइन भी अभी चालू करेंगे, उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह से ये फिटिंग की जाती है, तो इसी तरह से इसको फिल्टर बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट है। तो आप ज़रूर करो प्लम्बर भाइयों, किसी को सलाह दो और ये फिटिंग ज़रूर करो, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। ये देखो, ये कितना खूबसूरत और कितना खूबसूरत पानी चल रहा है फिल्टर की तरह। तो ये देखो, सामने देखो, इधर एक ही लाइन में एक ही जगह पर कितना खूबसूरत पानी चल रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से इसकी सफाई हो रही है। तो दोस्तों, आप भी ये प्लम्बर भाई, आप भी फिटिंग कर सकते हो जो देख रहे हैं, जो और फिटिंग आप करवा भी सकते हो जिनके पैनल लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, तो खर्चा जरूर थोड़ा सा ज़्यादा है, बट रिज़ल्ट अच्छा है इसका। तो ज़रूर करवाए फिटिंग जिनके पैनल लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी में फ़ायदा पाए। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह से ये फिटिंग की गई है। तो और जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ घंटी को दबा दो, जो कि अगला वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी हमारी फिटिंग। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई सुझाव है, तो वो भी आप दे सकते हो, हम लोग ज़रूर
अगले नेक्स्ट वीडियो में उसके सुधार करेंगे। तो सारी ज़िंदगी हमेशा ही आदमी सीखता रहता है, तो काम ऐसे ही करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।